स्वागत है आपका मेरे चैनल ईवी टेक पर। तो आज हम बात करेंगे KM4000 इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो की तीन पार्ट्स में फर्स्ट हम बात करेंगे बाइक के बॉडी एंड लुक्स के बारे में, सेकेंड हम बात करेंगे इसके स्पेक्स एंड फीचर्स के बारे में, एंड थर्ड हम बात करेंगे इसकी अवेलेबिलिटी एंड प्राइस के बारे में। तो बात करें इसके लुक्स, तो इसके लुक्स काफ़ी मिलते हैं यामाहा FZ बाइक से, जो एक रिनोन्ड बाइक है। एंड फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं विद ड्यूअल डिस्क, जो आपके ब्रेकिंग को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं विद मोनोशॉक। इसमें आपको हब मोटर मिलती है जो मेंटेनेंस फ्री होती है बिल्कुल। इस बात करें इसके हैंडल बार की, तो इस पर आपको एक MID कंसोल मिल जाता है जो अच्छा खासा बड़ा है एंड आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी दे देगा। ऑल LEDs यूज़ की गई है इसमें, एंड इसकी सीट आपको अच्छी खासी कंफर्टेबल मिलती है, लेकिन आपको पिलियन के लिए थोड़ी सी कम जगह मिलती है क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक है एंड मेनली टारगेट किया गया है सिंगल राइडर को। अब बात करें इसके स्पेक्स एंड फीचर्स की, इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड इसका जो MID कंसोल है वो आपको स्पीड, टाइम, रेंज, बैटरी परसेंटेज जैसे नॉर्मल फीचर्स बता देगा, एंड आपके मोबाइल से कनेक्ट होकर सारे फीचर्स बता देगा जो भी कनेक्टिविटी वाले फीचर्स होते हैं। इसमें आपको एंटी थेफ्ट वाला फीचर मिल जाता है। इसकी बैटरी आपको 4.4 किलोवाट आवर की मिल जाती है, जो आपको 150 किलोमीटर तक की रेंज आराम से दे देगी। एंड आपको इसकी मोटर मिल जाती है 8 किलोवाट की, जो आपको 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की टॉप स्पीड आराम से दे देगी। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की। ये बाइक आपको महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और भी बहुत सारे स्टेट्स में अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर कबीरा मोबिलिटी के डीलर्स अवेलेबल हैं, एंड कबीरा मोबिलिटी का ये कहना है कि ये अपने डीलर नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहते हैं क्योंकि इनकी बाइक को लेकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और सिर्फ 4 दिन में इनकी बाइक की जो प्री बुकिंग यूनिट्स थी सारी बिक चुकी हैं, मीन्स सारी प्री बुक हो चुकी है, इसलिए अब इनको अपनी बाइक की प्री बुकिंग बंद करनी पड़ी। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस आपको 1,36,000 एक्स शोरूम मिल जाती है, जो एक अच्छी प्राइस है। एंड जिस प्राइस पे इसको टारगेट किया गया है अकॉर्डिंग ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं जो प्राइस बता रहा हूँ ये तब की प्राइस है जब ये फेम टू सब्सिडी में नहीं है। अगर ये फेम टू सब्सिडी में आती है तो अराउंड 32,000 की इसको सब्सिडी मिल सकती है, तो फिर इसकी प्राइस और भी कम हो जाएगी, जो एक प्लस पॉइंट है नॉर्मल कंज्यूमर। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक।